ज़हीन और हसास। ज़हीन और हसास लोगों में कब्ज और बस्त की कैफियत, ये मुख्तलिफ साइकिल्स हैं जो आती रहती हैं। कभी तबीयत में पशमुर्दगी है, दिल बुझा हुआ सा है, कुछ नाउमीदी सी है, खुद अपने ऊपर एतमाद की कमी महसूस हो रही है, मुझ में सलाहियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तक जो कुछ किया आसकबा भी है, उमंग भी है, उम्मीद भी है, रोशन पहलू नजर आ रहे हैं, कब्ज की कैफियत में तारीख पहलू नजर आते हैं, मायूसी के पहलू नजर आते हैं, पैसिमिज्म की कैफियत, और ये जो बस्त की कैफियत है इसमें रोशन पहलू। देखो ये भी तो है ना, आखिर ये भी तो हुआ है, और भी हो सकता है, आखिर अब तक मैंने ये काम भी तो कर लिया, आगे भी मुश्किल आसान हो सकती है। ये दो कैफियत हैं कब्ज और बस्त की, जिनको के सूफिया किराम ने ये इस्तिलाहात ये उन्वान दिए, कब्ज और बस्त। जितनी इंसान के अंदर हसासियत की कैफियत ज्यादा होगी, जहानत ज्यादा होगी, उतना ही ये जो वेव्स हैं इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा होती है। कम जहीन इंसान है, कम हसास है, आएंगे तो सही है, लेकिन ये कि वो वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड जो है उसके अंदर ऊपर और नीचे की कैफियत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जितना ये मामला बढ़ता है ये जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। लेकिन नॉर्मल इंसान का मामला ये है कि ये हुदूद के अंदर रहे, इसी की एक कैफियत जो है एबनॉर्मल जब हो जाता है, यही है जो जदीद हमारी जो साइकोलॉजिकल मेडिसिन है उसमें उसे मेनियक्स डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता है। मायूसी हुई तो इतनी हुई कि जैसे कमर टूट कर रह गई, और इसी डिप्रेशन में होती है खुदकुशियां, खुदकुशी कर जाता है, डिप्रेशन, कुछ रोशन पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई उम्मीद का पहलू नजर ही नहीं आ रहा, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बन नहीं आती, किस तरफ जाऊं, किधर देखूं, किसे आवाज दूं, ऐ हुजूमे नामुरादी, दिल बहुत घबराए हैं। और जब आदमी महसूस करता आई कांट फेस दीज रियलिटीज, ये कमिट सुसाइड। ये और जब कैफियत होती है इंशरा की तो आदमी खूब भाग रहा है, दौड़ रहा है, उमंग है, मेहनत है, दौड़ रहा है, उम्मीदें हैं, अब हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है, अजीब है ये। असल में मुझे कुछ तजर्बा भी हुआ है, हमारे खानदान में भी ये मर्ज मौजूद रहा। मेरे वालिद मरहूम काफी तवील अरसे इस मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के मरीज रहे, कुछ होता है ये मामला। वैसे भी शायद हमारा खानदान जो है उस कैटेगरी में आता है जिसमें जहानत निस्बतन कुछ ज्यादा है, हसासियत भी निस्बतन कुछ ज्यादा है। ये दूसरी बात है कि कोई शख्स जो है ये फलसफे के तौर पर इख्तियार कर ले कि अपने आप को ढीठ बना लेना है, ये फलसफा भी बन सकता है, लेकिन ये है कि अगर आदमी छोड़ दे अपनी तबीयत को तो ये दोनों कैफियत आती हैं। इन्हीं कैफियत में अगर ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट है ये खत से निकल जाए तो ये बीमारी है मैनिक साइकोसिस, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। इसमें जब आदमी होता है वो अपर कैफियत में तो उसके अंदर बड़ी अजीमत है, रोशनी है, उम्मीद है, लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, हंस बोल रहा है, खूब जो है महफिल के अंदर, अब वो महफिल में उसे दिलचस्पी महसूस हो रही है और उसे हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है, खुद अपने वजूद का भी रोशन पहलू, दूसरों के वजूद का भी, दूसरों की बात में से भी वो अच्छा पहलू तलाश करेंगे, वो बुरा पहलू तलाश नहीं करेंगे। जब दूसरी कैफियत है डिप्रेशन की, हर एक की बात में कोई बुराई नजर आएगी, कोई इसकी नीयत का फतूर है, कोई फसाद है, कोई ये जो है बदनीयती के साथ ये बात कर रहा है, कोई खैर कहीं है ही नहीं, बुराई ही बुराई है, मायूसी ही मायूसी है, बदली ही बदली। ये है दर हकीकत वो कैफियत, इसको गालिब ने बेहतरीन अंदाज में ताबीर किया है। ज़हीन और हसास इंसानों में उनकी जो तरक्की है वो इन्हीं मराहिल से होकर गुजरती है, और हर डिप्रेशन के बाद, डिप्रेशन मैं उस सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी बीमारी की हद तक पहुंचने वाली डिप्रेशन नहीं, सिर्फ कब्ज की हद तक पहुंचने वाला मामला, हर कब्ज के बाद जब बस्त आता है तो आगे तरक्की होती है, जिसको आप कहते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, आदमी जो है छलांग लगाता है, गोया के एक दर्जा जो पहले था उससे आगे दर्जा इंसान का जो है उससे बुलंदतर पोजीशन पर इंसान पहुंचता है। हर कब्ज के बाद जो नया बस्त आता है वो एक नई कैफियत, नई शान, नई बुलंदी, नई रिफक लेकर आता है।
इसको गालिब ने ताबीर किया है बहुत खूबसूरत अंदाज में, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवा और। यानी शायर भी कभी ऐसा वक्त आता है शेर जो है उस पर नाजिल ही नहीं हो रहा, शेर नहीं कह पा रहा, तबीयत में रुकावट सी है, बंदिश सी हो गई है, कोई कलाम मौजू हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर जब यह कैफियत जो है बदलती है और जब फिर बस्त की कैफियत आती है, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवा और, फिर उसके अंदर एक जौलानी नई एक कैफियत जो है इंशराह की, वो एक बिल्कुल नई कैफियत नई शान के साथ। ये है वो मामला जो इन आयात मुबारका के पस मंजर में है। इसीलिए अब मैं आपको उसका हवाला दे रहा हूं। तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत उमदा बात फरमाई है कि हालत कब्ज अगर किसी शख्स पर तारी हो तो उस हाल में इकसीर का दर्जा रखती है यह सूरह मुबारका, इसलिए कि यह नाजिल हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी हालत कब्ज में। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ढाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअग्ना। ये तमाम आयात अब मालूम होगा कि जैसे मोती पिरोए हुए, एक लफ्ज कब्ज, अब उसमें जो भी वाकयाती और जो मैंने आपको रिवायाती जो भी पसमंजर बयान किया वो भी फिट बैठ रहा है, वो खुदकुशी का मामला भी आ गया इसमें फिट बैठ रहा है कि बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी तबीयत पर इस दर्जे इस्तराब था, इतनी कैफियत जो है मेरी तशवीश की थी कि मेरे दिल में बार बार ख्याल आता था कि पहाड़ पर चढ़कर अपने आप को नीचे गिरा दूं। ये सारे मामला तब आपको महसूस होगा जैसे तमाम कड़ियां जो है वो जुड़ गई, जैसे रात को अब आप उठ नहीं पा रहे, इसमें लाल है आसाबी जो है आसाब इस दर्जे मुतासिर हो चुके हैं। सिर्फ ये एक एहसासात की कैफियत नहीं है, आपकी कुव्वत फेली जो है कुव्वत अमली वो भी इस दर्जे मुतासिर हो चुकी है कि कई रातें गुजर गई और आप रात को नहीं उठ सके, जिस पर कि उम्मे जमील को यह कहने का मौका मिल गया कि मालूम होता मोहम्मद तुम्हारा शैतान तुम्हें छोड़ गया। अब ये जुमला अपनी जगह पर इसकी काट है यकीनन इससे यज़ीक़ु सदरों का बिमा यकूलून, लेकिन वो कैफियत जिसकी वजह से ये जुमला आया है उस पर निगाह दौड़ाइए, उस पर निगाह को मरकूज करेंगे तो मालूम होगा एक लफ्ज़ कब्ज, ये कब्ज की एक कैफियत थी। उस कब्ज ही की कैफियत का एक मजर यह है, चूंकि ये भी तो दर हकीकत कल्ब मुबारक जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसी पर तो वही का नुज़ूल होता था, ये भी वही दाखिली एहसासात और कैफियात का मामला है, यही भी दर हकीकत ये वारदात कल्बिया ही का सारा मामला है। इसको आप खारिज से ताबीर नहीं कर सकते, ना भी कोई ऐसे मसाइब थे, ना ऐसी कोई मुश्किलात थी, ना अभी कोई रद्दो कदा ऐसी शुरू हुई, ना अभी कोई बहसो नजा का मामला ऐसा हुआ, ना कोई अभी कोई फिजिकल प्रोसिक्यूशन शुरू हुई, ये सब दाखिली ही कैफियात है। और उन दाखिली कैफियात के हवाले से इन सूरह मुबारका को अगर सही समझा है तो सूफिया ने समझा, वो जो इकबाल का शेर है कि कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। और कौन समझेगा, वो तो समझेगा कि दुखे हुए वो दिल की सदा है, वो क्या है जो इकबाल की उस एक नज़म है परिंदे की फरियाद, गाना इसे समझकर खुश हो ना सुनने वाले, ये तो दर हकीकत एक दुखे हुए दिल की सदा फरियाद ये सदा है। तो ये कैफियत जो है रिजवान समझ सका है जो कि दारोगा जन्नत है, उसने समझा ये वही आदम जो निकाला गया था यहां से, ये उसकी फरियाद है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो वाकया ये है कि इस सूरह मुबारका का सही सही फहम अगर हासिल हुआ है वो इमाम राजी को हासिल हो ही नहीं सकता, वो अक्ल और मंतिक की गुत्थियां सुलझाने वाले आदमी, अपनी जगह उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत, ये लुगत और अदब का कोई खास मसला इसमें है ही नहीं कि जमक्शरी इसमें कोई जौलानी दिखाए अपनी, इसमें कोई ऐसा इश्काल है ही नहीं, नहवी इश्काल ही नहीं, लेकिन ये वारदात कल्बिया का मामला है, एहसासात बातनी का मामला है, ये नफ्सियात इंसानी का मामला है। और इसको वही समझ सकते हैं कि जो माहिरीन इल्म नफ्स हैं, और वो हैं सूफिया इकराम हमारे यहाँ, जिनका वो ज़ौक है बातनी कैफियात एहसासात जिनका मौजू है कि ये दर हकीकत था।